नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों शरीर में खून का थक्का जमने यानी ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, उसके खतरे के बारे में और उसके उपचार के बारे में। दोस्तों शरीर में खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनने और उसके घुलने की प्रक्रिया सहज रूप से चलती रहती है। हमारे प्लाज्मा में मौजूद प्लेट्स और प्रोटीन चोट की जगह पर रक्त के थक्के का निर्माण करके रक्त के बहाव को रोकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो चोट लगने पर शरीर में खून का बहाव रोकना कठिन हो जाएगा। आमतौर पर चोट के ठीक होने पर रक्त का थक्का अपने आप घुल जाता है, पर जब इस प्रक्रिया में अड़चन आती है तो खून का थक्का बना ही रह जाता है। खून का थक्का बनने के जो जोखिम है दोस्तों, और उसके बारे में बात करते हैं। बिना उपचार लंबे समय तक इसके रहने पर रक्त के थक्के धमनियों या नसों में चले जाते हैं और शरीर के किसी भी हिस्से जैसे आँख, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और गुर्दे आदि में पहुँच उन अंगों के काम को बाधित कर देते हैं। दिमाग में खून का थक्का पहुँचने पर भारी नुकसान पहुँचता है। खून का थक्का केवल चोट लगने के कारण ही बनता है और उसके कई कारण हैं। आइए जानते हैं खून का थक्का बनने के कारण के बारे में। अगर आप गर्भ निरोधक गोली लेते हैं, अगर आपको मोटापा है, अगर आपको मेनोपॉज हो चुका है, तो दोस्तों जो लोग लगातार या 10 घंटे तक काम करते हैं, इस दौरान कोई विराम नहीं लेते, तो उनमें खून का थक्का जमने का खतरा दुगना हो जाता है। खून का थक्का बनने पर तुरंत ही डॉक्टर से सलाह करें। यह बीमारी बेहद खतरनाक हो सकती है, इसलिए पहले अच्छी तरह जाँच करने के बाद ही उपचार शुरू करें। मोटे लोगों में ब्लड क्लॉट होने का खतरा ज़्यादा रहता है, लेकिन कई और रोग परिस्थितियों में रक्त का थक्का जमता है जो काफ़ी खतरनाक होता है। बिना सर्जरी के ब्लड क्लॉटिंग का कोई इलाज ही नहीं है और कभी कभी तो शरीर के उस हिस्से या अंग में छेद कर या काट कर इसका इलाज किया जाता है। खासकर सिर में चोट लगने के बाद अगर ब्लड क्लॉट होती है तो यह काफ़ी गंभीर हो जाती है, जिसमें मरीज को ब्रेन हेमरेज का खतरा हो जाता है और मौत तक हो सकती है। ध्यान रहे कि ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद कोई घरेलू उपचार काम नहीं करता। हालांकि ब्लड क्लॉट ना हो या जिन लोगों को इसका खतरा ज़्यादा है उनके लिए कुछ घरेलू उपचार हैं, उसकी सहायता से आप काफ़ी इसमें आराम पा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके घरेलू उपचार के बारे में। दोस्तों स्किम्ड मिल्क या छाली उतारा हुआ दूध, स्किम्ड मिल्क यानी उसमें जो फैट होता है यानी वसा नहीं होती और इसमें कैल्शियम भी रहता है, जिससे रक्त की नलिकाओं में फैट जमा होने का खतरा नहीं रहता और कैल्शियम से ब्लड के प्लेट्स सही ढंग से काम करते हैं। रक्त नलिका में फैट जमा नहीं होने से रक्त का प्रवाह सही ढंग से होता है। मोटापा कम करें और काफ़ी वसायुक्त भोजन करने से मोटापा बढ़ता है और इसका नतीजा यह है कि रक्त नलिका के दीवार पर फैट की परत जम जाती है। अगर रक्त नलिका के मुँह की चौड़ाई कम हुई तो रक्त के प्रवाह में कठिनाई होती है और नतीजा ब्लड क्लॉट होता है। ब्लड क्लॉट होने से दिल का दौरा पड़ सकता है और ब्रेन हेमरेज खतरा रहता है। नियमित व्यायाम करें। नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर में फैली सभी रक्त नलिकाओं में रक्त का संचरण सही ढंग से होता है। धूम्रपान को अवॉइड करें। धूम्रपान करने से जो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है और इससे रक्त नलिका की मांसपेशियाँ कमजोर होती हैं, नतीजा ब्लड क्लॉटिंग की संभावना बढ़ जाती है। प्याज और लहसुन का सेवन। प्याज और लहसुन खाने से शरीर में फाइब्रिन की कमी होती है और इसके परिणाम स्वरूप प्लेट्स सही ढंग से बनते हैं और ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। हाइड्रोथेरेपी। ब्लड क्लॉट वाले स्थान पर अगर गर्म और ठंडे पानी का पैक लगातार दिया जाए तो संभव है वहाँ रक्त का संचरण सही हो सकता है। मसाज। अगर आप नियमित रूप से शरीर की मसाज करवाते हैं तो शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता है, रक्त की नलिकाएं भी ब्लॉक नहीं होती और ब्लड क्लॉट का खतरा कम हो जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ घरेलू उपाय जिनकी सहायता से आप ब्लड क्लॉटिंग की समस्या से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहे मेडिकल अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।